हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के बारे में, बच्चों जीव विज्ञान के बारे में। हम लोग एक महामैराथन सीरीज चला रहे थे, जिस सीरीज के अंदर हमने कई सारे लेक्चर को डिस्कस कर लिया है। बच्चों, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 देना है और आप भी चाहते हैं कि बायोलॉजी में मेरा स्कोर भी अच्छा रहे, तो इस सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलें। इस सीरीज के जो प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डलवा दिया है, वहां से जाकर इसके पीछे के जो वीडियो हैं वो भी देख सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से कर सकते हो। इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, वो ऐसे टॉपिक हैं। अगर बच्चों आप PYQ, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हुए, ठीक है, तो आपको वहाँ पर कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप लोग अपने पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लोगे, तो वहाँ पर इस वीडियो में, इस सीरीज के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर दिखेंगे। तो इसीलिए आपका जो अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में, यहाँ से, इस सीरीज से आपको क्वेश्चन वहाँ पर भी देखने को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आप इस पूरी सीरीज को अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। इस सीरीज के अंदर वही टॉपिक डिस्कवर किए गए हैं जो या तो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या तो फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो इसीलिए हर एक टॉपिक को ध्यान से समझ कर चलना है और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको 100% क्लियर कराने का क्लास के अंदर ही। बाद में अगर आप एक से दो बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपको मैं कहता हूं 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बच्चों, हमारा पहला टॉपिक यहां पर है दंत कोशिका अरक्तता। देखिए, सिकल सेल एनीमिया। देखिए बच्चों, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना रहेगा। देखिए बच्चों, आपने एचबी, जिसको लिखते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि दो चेन्स होती हैं, एक आपकी चेन होती अल्फा और एक चेन होती आपकी बीटा, ठीक है। इस बीटा चेन के अंदर क्या होता है, बीटा एक चेन होगी, उसमें एक नंबर भी होगा, दो नंबर भी होगा, तीन नंबर भी होगा, चार नंबर भी होगा, पांच नंबर भी होगा, छह नंबर भी होगा, सात नंबर भी होगा, यानी कि जो भी नंबर होते हैं वो नंबर होंगे। ऐसे ही इन सभी नंबर पे कुछ ना कुछ लगा होगा, इस नंबर पे कुछ भी लगा है, इस नंबर पे कुछ और लगा है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये जो छठा नंबर होता है बच्चों, बीटा श्रृंखला का छठा नंबर या छठी पोजिशन भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक एसिड होता है जिसको कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। अब बच्चों, ग्लूटामिक एसिड को चाहे हम हिंदी में लिखें या फिर उर्दू में लिखें या फिर हम इंग्लिश में लिखें, तो आपको लिखना तो रहेगा ग्लूटामिक एसिड। एसिड की यहां आप हिंदी लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, अम्ल, यानी कि ग्लूटामिक अम्ल। अब ग्लूटामिक की चाहे आप हिंदी में लिख लें चाहे इंग्लिश में लिख लें, ग्लूटामिक ही रहेगा, ठीक है, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर होता क्या है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ये छठी पोजीशन पर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन इस छठी पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह, इसकी जगह आप लिख लेंगे ग्लूटामिक एसिड की जगह। अभी हम इसमें परिभाषा जो लिखी उसको भी पढ़ाएंगे, इसके पहले आप इसे समझ लीजिए क्या होता है ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या होता है। यहाँ पर छठी जो पोजीशन है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, बेलिन आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, बेलिन। क्या होता है बच्चों, बेलिन एक आ जाता है। अब जिसकी वजह से आरबीसी जो हमारे मोस्टली होते हैं कोन कैप शेप होते हैं, इस तरीके से होते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन जैसे यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह बेलिन आ जाता है, तो इसकी वजह से आरबीसी का जो आकृति है वो कैसी हो जाती है, चंद्राकार या फिर आप हंसियाकार भी कह सकते हैं, इस तरीके से हो जाती है, कौन कैप शेप इस तरीके से होता है आरबीसी हमारा, और इस तरीके से हंसियाकार, और इसे कहते हैं हंसियाकार। तो बच्चों, जो हमारा आरबीसी का नॉर्मल शेप था, एक छठी पोजीशन पर बीटा श्रृंखला की एक छोटा सा चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ से क्या हुआ कि ग्लूटामिक एसिड तो हट गया, इसकी जगह पे बेलिन आ गया, और बेलिन के जुड़ने के कारण आरबीसी हो गया हंसियाकार। और आपको पता है हमारे शरीर के अंदर, रक्त के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्सीजन का
सॉरी ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन कर सॉरी बच्चों हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, याद रखेंगे। अब बच्चों जब हीमोग्लोबिन हो गए हंसियाकार, तो आरबीसी का जो ऑक्सीजन है इसका परिवहन नहीं कर पाएंगे। अब जब इसका परिवहन नहीं कर पाएंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई। सिर्फ आपको पूरी भारामल याद नहीं रखना है, याद रखना है कि हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला जो होती है उसके छठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी जो है हंसियाकार हो जाते हैं। और अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में एरर केस में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब हम पढ़ लेते हैं डिफिनेशन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, यह एक अप्रभावी रोग है, इसमें आरबीसी जो है हंसियाकार, यानी कि जो आरबीसी होते हैं बच्चों, आरबीसी इसका नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स भी हम इनको कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं, कुछ भी आप कह सकते हैं। आरबीसी कैसे होते हैं? हंसियाकार हो जाते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता। अब बच्चों हीमोग्लोबिन का जो है निर्माण हो नहीं पाएगा, आरबीसी जो हो गए वो हमारे हंसियाकार हो गए, समझ में आ गए। अब आरबीसी हंसियाकार हो जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। देखिए आरबीसी के अंदर, आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है आरबीसी के अंदर जो भी ऑक्सीजन होता है उसका परिवहन कराना। ठीक है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी जो बच्चों आरबीसी होते हैं इसकी बीटा श्रृंखला पर क्या होता है, आरबीसी जो है जैसे हंसियाकार हो जाएंगे तो ये ऑक्सीजन का परिवहन नहीं, ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन जो आरबीसी हंसियाकार हुई है वैसे हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरबीसी की वजह से तो होता है। ठीक है, आरबीसी की वजह से हीमोग्लोबिन का निर्माण हो नहीं पाएगा क्योंकि आरबीसी हो गए हमारे हंसियाकार, और जब हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन का परिवहन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन कराने का कौन कार्य करता है? हीमोग्लोबिन काम करता है। तो जब हीमोग्लोबिन ही हंसियाकार, यानी कि हीमोग्लोबिन का ही निर्माण नहीं हो पा रहा है आरबीसी हंसियाकार होने की वजह से, तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराएगा? कोई परिवहन नहीं करा पाता। तो इसीलिए अब यहां पर ये चीज आपको आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता, आरबीसी हंसियाकार हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं आपको शायद नहीं समझ में आता, तो इसीलिए मुझे समझाना पड़ा कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी बीटा श्रृंखला की छठी पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको आपको याद रखना रहेगा कि इसमें अगर कोई व्यक्ति विषम युग्मी हीमोग्लोबिन एस हीमोग्लोबिन ए तो वो सामान्य जीवन यापन कर सकता है, लेकिन क्या होगा समयुग्मी अगर ऐसा है तो वो सामान्य जीवन यापन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है बच्चों, जैसे आपको हीमोफीलिया बढ़ता मानव रक्त के बारे में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, पिता के शुक्राणु में ए और एस एलील जबकि माता के अंडाणु में ए एस एलील है, तो इसकी वंशागत बताइए, यानी कि इसकी आपको वंशागत बताना है। पिता के शुक्राणु में ए और एस हैं और माता के शुक्राणु में भी अंडाणु में, पिता के अंदर शुक्राणु होंगे स्पर्म होंगे, माता के अंदर ओबम होगा यानी कि अंडाणु होगा। इसमें होते हैं जो एलील होते हैं, एलील जो होते हैं वो क्या है ए एस हैं, यानी कि एक हीमोग्लोबिन पर ये रहेगा, एक पर एस रहेगा, ये रहेगा ये रहेगा, यानी कैसे हैं बच्चों विषमयुगी हैं, सामान्य जीवन यापन ही कर रहे थे। इससे क्या होगा बच्चों, जब इसमें क्रॉस होगा तो इससे क्या होगा, ए इसके साथ में करेगा तो एच बी ए और एच बी ए बनेगा, जब ये एस के साथ करेगा तो एच बी एस और एच बी ए बनेगा, ए जब एस ए के साथ करेगा तो एच बी एस और एच बी ए बनेगा, ए जब एच बी एस एच बी एस के साथ करेगा तो ए बी ए बनेगा। तो इसमें देखिए आप इधर देख लीजिए, यहाँ पर ए वाला एक समयुगी बन रहा है, एक बी वाला एस वाला समयुग्मजी बन रहा है, यानी कि दोनों के पास एक जैसे, तो ये दोनों क्या होंगे सामान्य जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। लेकिन 50% विषमयुग्मजी बन रहे हैं, तो विषमयुग्मजी 50% विषमयुग्मजी हैं, 50% समयुग्मजी हैं, तो समयुग्मजी वाले तो सामान्य जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, लेकिन विषमयुग्मजी वाले सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं, ये चीज आपको पता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इससे अगला हमारा जो टॉपिक है उस पर भी। अगला बच्चों हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है, इस पर भी बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी ज़्यादातर पूछ ली जाती है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया पर, एलकैप्टोन्यूरिया पर आप टिप्पणी कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पूछे जाते हैं। देखिए,
फिनाइल कीटोन यूरिया को एफिलिंग ने खोजा था। सबसे पहले याद रखना, फिनाइल कीटोन यूरिया की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर एफिलिंग जो थी उन्होंने की थी। इस रोग में फिनाइल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम का एक अप्रभावी जीन, देखिए हाइड्रॉक्सिलेज जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम जो होता है उसका एक अप्रभावी जीन के कारण इसका अपघटन नहीं हो पाता। इसका अगर एक अप्रभावी जीन होगा तो इसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, लेकिन इसका एक अप्रभावी जीन होने के कारण इसका अपघटन हो नहीं पाता। अब किसी भी चीज़ को अगर आप नहीं तोड़ पाओगे तो वो आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, अपघटन नहीं हो पाता और फिनाइल एलेनिन रक्त में बहता रहता है। तो और होता क्या है, जो हमारा फिनाइल एलेनिन है वो रक्त में बहता रहता है और फिनाइल एलेनिन जोड़ों पर और ब्रेन में जम जाता है। जब ये रक्त में बहेगा तो क्या होता है, रक्त में बहता रहता है तो ये ब्रेन में हो गया और हमारे जो जोड़ होते हैं वहाँ पर जम जाता है। रक्त में बहता रहता क्या होता है, जिससे क्या होता है जोड़ों पर और ब्रेन में क्या होता है बच्चों, जम जाता है। जिससे जम जाता है जिससे क्या होता है अल्पबुद्धिता आती है। क्या होता है अल्पबुद्धिता आती है और इसकी मात्रा अधिक होने पर मूत्र और पसीने के साथ बाहर निकलने लगता है। अब जब इसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी जोड़ों में जमने के बाद में अल्पबुद्धिता, यानी कि जोड़ों में जम हो गया, आपके ब्रेन में जब पहुंच जाता तो अल्पबुद्धिता आ जाती, इन सभी चीज़ों में जब इसकी भी मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है तो क्या होता है मूत्र या फिर पसीने के साथ में शरीर से बाहर इसका सिक्रेशन होने लगता है, यानी कि शरीर के बाहर ये निकलने लगता है, ठीक है। अगर बच्चों इसके कैरेक्टर्स की बात करें, इसके लक्षण जो होते हैं वो क्या दिखाई देते हैं, इस रोग में मस्तिष्क में फिनाइल एलेनिन के पहुंच जाने से मस्तिष्क का विकास नहीं होता, यानी कि मस्तिष्क का विकास नहीं होता है अगर जिसके अंदर भी है वो उसको शायद सोचने की क्षमता जो है कम हो जाती है। पैरों की पेशियाँ और उपास्थि प्रभावित होती हैं जिससे चलने में पीड़ा होती है। पैरों की पेशियाँ ठीक है और उपास्थियाँ जो भी होती हैं वो क्या होती है प्रभावित होती हैं, जिससे क्या होता है चलने में उसको पीड़ा होती है। फिनाइल एलेनिन को किडनी पूरी तरह से अलग नहीं कर पाती जिससे मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। अब आप कहेंगे सर जो भी हमारा यूरिन निकलता है उसमें तो कोई भी हो नहीं सकता क्योंकि हमारा जो किडनी है इसको फिल्ट्रेशन कर देती है, तो बच्चों यहाँ पर लिख दिया गया है कि फिनाइल एलेनिन को किडनी जो है पूरी तरह से अलग नहीं कर पाती है जिससे फिनाइल एलेनिन हमारे मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता रहता है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ सर तो थोड़े याद करने की चीज़ ज़्यादा है। तो बच्चों इस टॉपिक को क्या करेंगे, आप एक से दो बार पढ़ लेंगे, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से मैं इसको पेज को सेट कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक लेकर, फिर आप इधर ले लें जो भी छूटा है, फिर आप इसके लक्षण का ले लें क्योंकि एक से दो बार इसको पढ़ लेंगे। अगर बच्चों इसके नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं तो अगले टॉपिक की। अब बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एलकैप्टोन्यूरिया। देखिए एलकैप्टोन्यूरिया फिनाइल कीटोन्यूरिया ये दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं और इसीलिए बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। एलकैप्टोन्यूरिया को फिनाइल कीटोन्यूरिया में लिख देते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया को एलकैप्टोन्यूरिया में लिख देते हैं क्योंकि लास्ट में न्यूरिया आ रहा है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बच्चों आप थोड़ा अपने लेवल से लेकर इसको याद रख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये उपापचयी त्रुट से होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, उपापचयी त्रुट से होने वाला रोग है। इसमें फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन के उपापचयी से हीमोजेंटेसिक अम्ल बनता है, यानी कि फिनाइल एलेनिन और एक टायरोसिन होता है एंजाइम होता है, इसके उपापचय से इसके उपापचय से क्या बनता है हीमोजेंटेसिक अम्ल बनता है, यानी कि फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन का जब उपापचय होता है जिससे क्या होता है हीमोजेंटेसिक अम्ल बनता है। अब यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन के उपापचय से कौन सा अम्ल बनता है, तो याद रख लोगे हीमोजेंटेसिक अम्ल बनता है। इसका एंजाइम उपस्थित ना होने के कारण, अगर इसका एंजाइम उपस्थित नहीं है, इसका एंजाइम उपस्थित ना होने के कारण इसका उपापचय नहीं हो पाता है। और जब इसका उपापचय नहीं हो पाएगा तो इसकी मात्रा रक्त एलकैप्टो फिनाइल कीटोन्यूरिया की तरह इसकी भी मात्रा रक्त में बहती रहती है, जिसके कारण शरीर में रुधिर जिसके कारण यह रुधिर में परिवहन करने लगता है, जिसके कारण अब इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो रुधिर में परिवहन करने लगता और हड्डियों के जोड़ों में जम जाता है, जिससे मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है, जिससे क्या होता है हड्डियों जोड़ों में दर्द जम गया और लेकिन जब ज़्यादा इसकी मात्रा हो जाती है तो क्या होता है मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है। नोट में याद रखेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है नोट से ज़्यादा आता है, बेसिकली इसकी परिभाषा और इधर अदर कंटेंट से ना है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मूत्र वायु के संपर्क में आते ही काले रंग का हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्या क्वेश्चन आता है कि किस रोग से ग्रसित व्यक्ति का यूरिन यानी कि मूत्र वायु के संपर्क में आते ही काला हो जाता है, तो याद रख लोगे कौन सा रोग होता है एलकैप्टोन्यूरिया होता है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक हमारा है बार बॉडी या बार काय, इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों बार बॉडी बार काय क्या होता है, इसमें दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, किस पे खोजा गया और किसने खोजा। देखिए सन 1949 में मुरेवार, ये जो है मुरेवार एक है साइंटिस्ट का नाम है, तो मुरेवार इसके खोज करता है। इन्होंने क्या किया, मादा बिल्लियों की त्वचा की जो कोशिका ली उसके केंद्रक में चिपका एक घन पिंड देखा, एक घना पिंड देखा, किंतु नर में ऐसा नहीं होता। देखिए इन्होंने क्या किया, सन 1949 ईस्वी में इन्होंने खोजा, मुरेवार इन वैज्ञानिक का नाम था, इन्होंने क्या किया, मादा बिल्ली की त्वचा ली, उसकी कोशिकाओं के केंद्रक में चिपका हुआ इन्होंने एक घना पिंड देखा, और किंतु ऐसा उन्होंने देखा कि नर में ऐसा नहीं था। खोजकर्ता के आधार पर इसे बार बॉडी नाम दे दिया गया। एक मादा में एक एक्स गुणसूत्र को छोड़कर जितने भी एक्स गुणसूत्र होते हैं उन्हें बार बॉडी कहते हैं। होता क्या, इस चीज़ को आप समझिए एक बार। देखिए अगर बच्चों हम बात करें, फीमेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस XX होती है, ठीक है, 44 प्लस XX होती है, और मेल के अंदर होती है 44 प्लस XY होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है किसी मादा में एक मादा में एक गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र को छोड़कर जितने भी एक्स गुणसूत्र उसमें बार बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मल महिला में यानी कि सामान्य मादा में एक एक्स गुणसूत्र को तो छोड़ दिया, लेकिन दूसरा वाला एक गुणसूत्र है, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, बार बॉडी कहेंगे। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि एक सामान्य महिला में, एक नॉर्मल महिला में कितनी बार बॉडी हो सकती है। तो याद रखेंगे कितनी बार बॉडी हो सकती है, एक हो सकती है, जो कि पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। एक सामान्य महिला में एक बार बॉडी होती है, यानी कि एक एक्स गुणसूत्र होता है, इस तरह एक एक्स गुणसूत्र को छोड़ दे क्योंकि उसमें दो, ठीक है। आई होप आपको बार बॉडी भर भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चीज़ हमने आपको बता दी, ठीक है। अगला टॉपिक है मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7 जोड़ी होती हैं और 14 होते हैं, याद रख लेंगे। यानी कि जोड़ी में अगर बात करें तो 7 हो जाएंगे, अगर नंबर में बात करें तो 14 होते हैं, ठीक है। अब बच्चों बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, इसमें एक नाइट्रोजनी क्षार का विलोपन या फिर निवेशन होता है, तो इसे बिंदु उत्परिवर्तन या फिर जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि मैंने सिकल सेलेमिया में आप लोगों को बताया, उसमें एक छठी पोजीशन पर क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड की जगह बेलिन आ गया और उसमें आप सारा खेल खत्म हो गया। RBC कैसे थे, कौन कैप्सेप के थे, लेकिन वो कैसे हो गए, हंसी आकार। आई होप आपको समझ में आ गया। अब बच्चों आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं उनको एक पीढ़ी से क्या करता है, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो स्थानांतरित करता है जिसे आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, DNA और RNA होते हैं। कब, इससे पहले इसमें प्रोटीन भी थी, इस पर डिबेट चल रहा था। तो आनुवंशिक पदार्थ की खोज के बारे में किसने की, और इसके एक दो प्रयोग हैं जैसे हर्सेचेज का प्रयोग, ग्रिफिथ का रूपांतरित प्रयोग, एब्री मैकार्ड मैकार्टी का प्रयोग, इन सभी प्रयोग को बच्चों कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तक इतना ही रखते हैं क्योंकि बच्चों वीडियो लेक्चर लंबा हो जाता है, आप लोगों को देखने भी प्रॉब्लम होती है, तो आप छोटा छोटा करके आसानी से देखेंगे, 8 से 10 लेक्चर के अंदर पूरा सिलेबस फिनिश कर देंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन को लेकर है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछते हैं तो वहीं पर हम उनको जवाब भी दे देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई विल टेक इन दिस क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।